अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन की एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी। तो आज मैं बनाऊंगी पेपर चिकन, जो और इसे बनाना भी बहुत आसान है। बहुत कम टाइम में हम बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। इसे कोई भी बना सकता है, इवन बिगिनर्स भी बना सकते हैं। चलिए चिकन हम लेके आते हैं, फिर हम बनाना शुरू करेंगे। चिकन तो हम ले आए, अच्छी तरह उसको वॉश करके रख दिया है और अब मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज। मैंने दो मीडियम साइज की प्याज को इस तरह मैंने स्लाइस कर लिया है। बहुत फाइन स्लाइस नहीं किया है, बस इसे थोड़ा मोटा मोटा सही किया है, क्योंकि इन सबको बाद में ग्राइंड होना है। और इसके साथ मैं डाल दूंगी इसमें कुछ काजू, ये 10 से 12 काजू होंगे। ये अदरक के स्लाइसेस मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया था, मैंने उसको स्लाइस कर लिया अदरक को। और ये 4 हरी मिर्चें हैं और ये थोड़ा सा है लहसुन। अब इन सबको हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे या रोस्ट कर लेंगे, कुछ भी कर लें। बस ये लाइट सा पिंक होगा, फिर इसे मैं ऑयल से बाहर निकाल लूँगी। तो देखिए ये फ्राई हो चुका है जितना चाहिए था मुझे, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। सारी चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई है और सबका कलर देखिए चेंज हो चुका है। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को ऑयल से बाहर निकाल लेती हूँ किसी प्लेट में और इसे ठंडा करने के लिए रखती हूँ। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी उन सबको ग्राइंड करके। तो देखिए इस मैंने सारी चीज़ों को निकाल लिया है। इनमें ऑयल था पहले से थोड़ा सा, मैं इसमें थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। 2 टीस्पून डाला है मैंने बटर, और ऑयल पहले से था इसमें, जो प्याज जिसमें फ्राई किया था वही उसी सेम ऑयल में मैंने बटर डाला। अब इसे मैं गर्म करती हूँ। अभी हॉट हो चुका है, बटर भी मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी वॉश किया हुआ चिकन। अब हाई फ्लेम पे इसे हम 5 से 7 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। और जब इसका कलर गोल्डन हो जाएगा सारी साइड से, फिर इसका फ्लेम हम मीडियम से लो करेंगे। देखिए चिकन का कलर चेंज हो रहा है और इसका पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, जो चिकन में पानी था। अब इसमें मैं डाल दूँगी सॉल्ट। सॉल्ट मैंने डाला 1 टीस्पून। अब इसमें हम डाल देंगे फ्रेश ब्लैक पेपर। इसमें ब्लैक पेपर हमेशा फ्रेश आप या तो कूट के डालें, कैसे भी डालें, थोड़ा सा मोटा मोटा सा क्रश, बिल्कुल बारीक पाउडर ना आप डालें। अब इसका टेस्ट तभी बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, जब आप फ्रेश पेपर डालेंगे। पहले से अगर आपके पास पाउडर बना हुआ है वो बिल्कुल ना डालें आप। मैंने लगभग 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाला होगा और बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि ये चिकन के साथ पेपर भी जो है ना वो भी अच्छी तरह बटन में फ्राई हो जाएगा, तो इसका एक अलग ही टेस्ट आ जाता है अपना। तो चिकन का कलर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, पानी भी सारी ड्राई हो गया है इसके। मैं डाल रही हूँ दही। दही को मैंने बीट कर लिया है और ये जो है एक 200 ग्राम दही है। अभी मैंने फ्लेम लो रखा है ताकि दही फटे ना।
अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और दही को भी थोड़ा सा हम इसमें कुक कर लेते हैं ताकि दही का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो देखिए पानी भी दही का कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी जो मैंने मसाला को ग्राइंड किया था, प्याज, लहसुन, अदरक, काजू और हरी मिर्चों का पेस्ट, और जिसमें मैंने ग्राइंड किया था सेम जार में मैंने एक कप पानी डाला और मसालों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। वो डाल दूंगी क्योंकि अब चिकन को कुक करना है। मसालों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस चिकन सॉफ्ट हो जाएगा फिर हमारा ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा क्योंकि मसाले ऑलरेडी फ्राइड हैं। ये सब इसमें हम डाल देंगे, कुछ ब्लैक पेपर फ्रेश, कवर कर लूँगी। कवर करके इसे चिकन को अच्छी तरह कुक करूँगी जब तक चिकन 100% सॉफ्ट ना हो जाए। हमारा चिकन जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो चुका, मैंने चेक भी कर लिया और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना ग्रेवी की वो बिल्कुल सही लग रही है मुझे। और आप अपनी मर्ज़ी से इसकी ग्रेवी एडजस्ट कर लें आपको जितना पसंद हो, और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आ जाएगा जब आप क्रीम डालेंगे। तो आप चाहें तो जो घर में मिल्क के ऊपर जो बलाई जम जाती है उसको भी अच्छी तरह स्मूथ कर लीजिए, उसको फेंट के डाल सकते हैं, या फिर आप मार्केट वाले भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा ये क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर फ्रेश बिल्कुल। अब क्रीम डालने के बाद मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। बिल्कुल ये तैयार हो चुका है सर्व करने के लिए। आप चाहें तो सर्व करते टाइम ऊपर से थोड़ा सा बटर और भी डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा हो जाता है। और इसे मैं गर्म गर्म रोटियों के साथ सर्व करूंगी। आप मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।